कोई भी राष्ट्र तभी सर्वांगीण प्रगति कर सकता है जहां ब्रह्म विद्या और क्षात्र विद्या दोनों का समन्वय हो। डॉक्टर पापरिकर जी में ये दोनों गुण विद्यमान रखते हैं। डॉक्टर रघुनाथ राव पापरिकर जी एक जीती जागती संस्थान है, चलती फिरती संस्थान, जो समाज के लिए जिंदगी जी रहे हैं, राष्ट्र के लिए जिंदगी जी रहे हैं। पापरिकर साहब किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है। उनका ये हमेशा रहा है कि भाई मंदिर में जाओगे, भगवान को जो कुछ करना है सब ठीक है, लेकिन उसकी जगह अगर तुम किसी मनुष्य जाति के लिए कुछ अगर अच्छा कर दो तो वो ज़्यादा धर्म का काम है। बगैर किसी से डरे जो उन्होंने सोच लिया, जो ठान लिया, बस उसके लिए चलते रहते। उनको इसकी फिक्र नहीं रहती कि कितने लोग उनके साथ आएंगे, नहीं आएंगे, इसमें कितनी परेशानियां होंगी। ये निडरता भी उसी व्यक्ति में आ सकती है जो दिल से अच्छा हो, जो मन से अच्छा हो, जो जिसके विचार पवित्र हो, जिसका उद्देश्य पवित्र हो। भले ही उम्र में 100 वर्ष उनके पूरे होने जाए, लेकिन उत्साह में उनके किसी भी जवान व्यक्ति से कभी कोई कमी मैंने महसूस नहीं की। I would just stand up and salute him. Such a life is very rare that people get such a life, and that he and his family and maybe his forefathers, his parents, his teachers, whoever has given him all this sanskar that he has come up like this. Hats off to all of them. Salute to the family. Salute to Dr. Paprikar.